गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ जियो द एटमोसफियर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एटमोसफियर, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर, वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, एटमोसफेरिक प्रेशर एंड विंड्स, साइक्लोन, तितली, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन। The atmosphere surrounds our planet Earth just like the peel of an orange surrounds the fruit। बेटा आपने ऑरेंज देखा होगा, उसके ऊपर का जो पील होता है, उसका जो छिलका होता है, उसने उसको पूरी तरह से कवर किया हुआ होता है। उसी तरह हम देखें तो जो अर्थ होती है वो भी एक जो एटमोसफियर है उसने भी अर्थ को पूरी तरह से कवर कर रखा है। नीचे डायग्राम में देखें तो कंपैरिजन किया हुआ है, देखो सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज और पील, पील ने उसको चारों तरफ से कवर कर रखा है। इधर हम देखें तो अर्थ सरफेस और एटमोसफियर, एटमोसफियर ने उसको पूरी तरह से कवर कर रखा है। इट कंप्राइजेस अ लेयर ऑफ गैसेस दैट इट मेक्स द अर्थ यूनिक अमंग ऑल द प्लैनेट्स। अब बेटा अर्थ के अंदर हम देखें तो बहुत सारी तरह की गैसेस हैं जो इसको बाकी प्लैनेट से डिफरेंट बनाती है। गैस सच एज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। हमारे सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एटमोसफियर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। जो एटमोसफियर है उसने अर्थ को चारों तरफ से कवर रखा कर रखा है और ये हमें प्रोटेक्ट करती है बेटा सन की हार्मफुल रेज से। जो एटमोसफियर ने अर्थ को चारों तरफ से कवर कर रखा है वो सन की रेज को, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, उनको अर्थ तक आने से रोकती है, इसलिए ये हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज एटमोसफेरिक कॉम्पोजिशन। एटमोसफियर है बेटा जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है, तो उसके अंदर बेटा सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इसके 78.09% है। ऑक्सीजन जो है सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है 0.93%, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.0389%। इसके बाद जो गैसेस हैं वो मिनट रेट्स ऑफ, मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत कम जिसको कह सकते हैं, नियॉन, हीलियम, मीथेन, वाटर वेपर, क्रैप्टन, हाइड्रोजन एंड ओजोन, ये सब जो हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हैं। जो नाइट्रोजन है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर। There are 5 layers in the structure of the atmosphere depending upon temperature. Atmosphere की बेटा 5 layers हैं जो temperature के ऊपर based की गई है। Temperature को देखते हुए उनको अलग अलग layers में बांट दिया गया। सबसे जो lowest layer जिसको बोलते हैं वो है troposphere। उसके बाद next stratosphere, mesosphere, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये जो है बेटा ये 5 लेयर्स हैं एटमोसफेयर की। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज 5 लेयर्स। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर। इट इज़ कंसीडर्ड एज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, सबसे लोअर लेयर बोल सकते हैं एटमोसफेयर की। द ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्स एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड गोज अप टू द हाइट ऑफ 7 to 20 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर जो है बेटा अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होकर 7 to 20 किलोमीटर्स तक जाती है हाइट तक। ऑल वेदर अकर्स विद इन दिस लेयर्स। बेटा जो भी वेदर चेंजेस होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं। दिस लेयर हैज़ वाटर वेपर एंड मैच्योर पार्टिकल्स। अब बेटा इस लेयर के अंदर वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर क्या होती है बेटा? पानी की जो छोटी बूंदें होती हैं जिसको, उनको बोलते हैं वाटर वेपर। Temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of height। Temperature जो है बेटा वो जैसे जैसे हम
ऊपर बढ़ते जाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है हर 165 मीटर की हाइट पे, 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ट्रोपोपोज सेपरेट्स ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्राटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद की जो लेयर है बेटा वो है स्ट्राटोस्फेयर, और इनके बीच में एक लेयर होती है जिसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, वो इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करता है, अलग करता है। नेक्स्ट इज स्ट्राटोस्फेयर, इट इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर। अब बेटा नेक्स्ट जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर के बाद वो स्ट्राटोस्फेयर है। इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर ऑफ हाइट, ये 50 मतलब ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर ऊपर है। दिस लेयर इज़ वेरी ड्राई एंड इट कंटेन्स लिटल वाटर वेपर, ये जो है ज़्यादातर ड्राई है और यहाँ पे वाटर वेपर जो है बहुत कम है। दिस लेयर प्रोवाइड्स सम एडवांटेजेस फॉर फ्लाइट बिकॉज इट इज़ अबव स्ट्रॉमी वेदर एंड हैज स्टेडी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड्स। अब ये वाली जो लेयर है बेटा, जो फ्लाइट्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, वो इसके अंदर ही फ्लाई कर सकते हैं। द ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन दिस लेयर, ओजोन लेयर भी इसके अंदर ही फाउंड की गई है। द ओजोन लेयर ऑब्जर्व यूवी रेज एंड सेफगार्ड्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। ओजोन लेयर जो है बेटा वो जो यूवी रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन की, उसको अर्थ तक आने से रोकती है। तो ये वाली जो लेयर है वो भी स्ट्राटोस्फेयर के अंदर ही है, ओजोन। स्ट्राटोपोज सेपरेट स्ट्राटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। अब स्ट्राटोस्फेयर जो लेयर है उसके बाद मेसोस्फेयर लेयर आती है, इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको स्ट्राटोपोज कहते हैं। नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर, द मेसोस्फेयर इज फाउंड अबव द स्ट्राटोस्फेयर। इट इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक लेयर, सबसे ज़्यादा कोल्ड है ये वाली लेयर। द मेसोस्फेयर स्टार्ट्स एट 50 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड गोज अप टू 85 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है अर्थ की सर्फेस से और 85 किलोमीटर तक जाती है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर, मतलब टेम्परेचर जो है बेटा यहाँ पे बहुत ही कम रहता है। बाई 80 किलोमीटर इट रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस। द अपर लिमिट इज़ कोल्ड मेसोपोज विच सेपरेट्स मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो सेपरेट करता है उसको मेसोपोज कहते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोस्फीयर, दिस लेयर इज़ फाउंड अबव मेसोपोज फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर्स। ये बेटा 80 to 400 किलोमीटर तक जाती है ये वाली लेयर। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज आयन स्फीयर ड्यू टू द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयन्स। अब बेटा जो इसका लोवेस्ट पार्ट है उसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा मैक्सिमम कंसनट्रेशन जो होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं। द टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजिंग विद राइजिंग एल्टीट्यूड, इसके अंदर जो टेम्परेचर है बेटा वो एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इसका बढ़ता है। इसमें जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर टेम्परेचर कई बार बेटा 1500 सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अरोरा एंड सैटेलाइट्स अकर इन दिस लेयर, ये इसके अंदर ही होते हैं, इस एयर के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट इज एटमोसफियर, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, द जोन वेयर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स escape into space is mentioned as the exosphere. ये वो जोन है बेटा जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम्स के, सॉरी द जोन वेयर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो होते हैं वो स्पेस के अंदर चले जाते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर अप टू 10,000 किलोमीटर। ये बेटा थर्मोस्फीयर के टॉप से 10,000 किलोमीटर की हाइट पे है। सो बेटा टुडे जो हमने रीड किया, टुडे वी रीड अबाउट द एटमोस्फेरिक कॉम्पोजिशन, हाउ मैनी गैसेस आर देयर, कौन सी गैस जो है वो कितनी परसेंट है इसके अंदर, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर, हाउ मैनी लेयर्स आर देयर, कौन कौन सी
जो लेयर्स हैं वो इनको अलग करती हैं, किस लेयर के अंदर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज रीड किया।